मशीन वो है जो हमारे किसान भाइयों का काम आसान कर करे। और आज आज अलग अलग मशीनों की जानकारी लेने के लिए हम पहुंच गए हैं राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर है। और आप यहां देख सकते हैं कि लाइन से अलग अलग चाफ कटर के वेरिएंट रखे हुए हैं और कंपनी का दावा है कि बिल्कुल स्वदेश निर्मित है। और अगर आप आते हैं आप बिल्कुल चेक करके चीज़ों को ले सकते हैं, अगर कोई कमी अगर आपको लगे तो आपको मशीन यहाँ से मुफ्त मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो भी अभी हम देख रहे हैं उसका लाइव डेमो आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो चाफ कटर के ऊपर रहने वाली और खास करके जो कुट्टी मशीन है अलग अलग वेरियंट के ऊपर हम बात करेंगे। और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है इनका और बिल्कुल काम जो करता है वो एकदम रोबोट की तरह आपको काम करके ये देगा, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, तो आपको सब्सिडी भी इन मशीनों के ऊपर मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आशुतोष जी, धन्यवाद। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आशुतोष जी आपका आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बहुत स्वागत है। सर आज कौन से मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? आशुतोष जी आज हम बात करने वाले हैं किसान की डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी समस्या है चाफ कटर, कुट्टी करके चाफ करके पशुओं को चारा खिलाने के लिए, उन मशीनों के लिए अपन आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए। तो सर देर न करते हुए यहाँ अलग अलग आपके पास मॉडल हैं, क्या उसकी खासियत है हमारे दर्शकों को बताइए। आशुतोष जी अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो मॉडल है जी ये चाफ कटर ओनली फॉर चाफ कटर है, इसमें और एडिशनल चीजें नहीं है, ये चाफ करता है। इसमें इन मॉडल वाला मॉडल है, इसमें अपन बड़ा, न्यूट्रल और छोटा अपन तीन, इसमें अपन कार साइज में साइज का काट सकते हैं, काइट काट सकते हैं। पहला इसमें 3 HP का कॉपर वाइंडिंग का मोटर लगा हुआ है जो कि 2880 RPM का, 2880 RPM मतलब जनरली 1440 RPM का मोटर लगा हुआ है और चाफ कटर में इसमें 2880 RPM का मोटर लगा हुआ है। हाई RPM हाई प्रोडक्शन, एक घंटे में लगभग आप 1 टन तक इसमें कटाई कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है। एक घंटे के लिए जो काम आपको 2 घंटे में करना होता है वह 15-20 मिनट में करके फ्री हो सकते हैं सर। तो सर जैसे ये चाफ कटर है तो अब दिक्कत हो जाती है जो किसान भाई होते हैं वो हरा चारा भी उनको काटना होता है या पराली वगैरह वो भी कट करना होता है, तो क्या दोनों होगा या सिर्फ एक होगा? आशुतोष जी बता सकता हूँ कि इस मशीन से आप क्या क्या कटाई कर सकते हैं। इस मशीन से आप गन्ना, धान का पुआल, रजका, बरसीन, आपका जुआर, बाजरा, मकई का जो होता है, और अभी आजकल जो प्रचलन में अपना नेपियर ग्रास, बिल्कुल नेपियर, स्मार्ट नेपियर वगैरह होता है, इजरायली घास जिसको बोलते हैं दूध बढ़ाने के लिए, वो बड़ी आसानी से इसको काट सकता है। जिस साइज में आप चाहें उस साइज में आप कर सकते हैं। कुछ जैसे अस्तबल होते हैं घोड़े के जो पालन करते हैं, वो अर्डू एक होता है जो कि बहुत हार्ड होता है और मोटा होता है 1.5 इंची में, उसका भी आप कटाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं आशुतोष जी। बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि सर ने बताया आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, आप अलग अलग साइज के जो है चारे को काट सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा चाहिए तो वो काट सकते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं। ये एडजस्ट करने वाली है ना सर? बिल्कुल, ये एडजस्ट कर सकते हैं गियर मोड, गियर ड्राइव है। इधर आप लेके आएंगे तो ये लॉन्ग काटेगा, इधर ये आपका न्यूट्रल हो गया, और उधर काटेंगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा सर, ये छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, तो दोस्तों ये यही जो है इस मशीन को यूनिक बनाती है। और सर क्या इसमें खासियत है? आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें ब्लेड जो लगा हुआ है वो दोनों तरफ धार है, दोनों तरफ धार का मतलब ये हो गया का इधर से यदि धार लगा हुआ है, इधर से ऐसा तो नहीं है कि ये लाइफ टाइम कभी जाएगा ही नहीं, ये धार जाएगा जब आपका धार यहाँ तक, जैसे अपन ने ग्राइंड करके वापस से धार लगा लिया यहाँ तक चला जाएगा, वापस से आपको चेंज करना है ब्लेड को, इधर घुमा ले हाँ दूसरी तरफ से, तो ये आपका प्लस ये 4 ब्लेड हम कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफर में दे रहे हैं सर। ये ब्लेड आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लेड 4 ब्लेड हम फ्री दे रहे हैं, ये MCB कंपनी की तरफ से एक ब्लेड सेट लगा हुआ है, एक ब्लेड का सेट आपको एक तरीके से 16 ब्लेड आपको मिल रहा है सर। भाई 4 तो लगा हुआ, 4 इस तरफ 4, 8 तो ये है और 8 हम फ्री दे रहे हैं एक तरीके से, तो 16 ब्लेड आपको साथ में मिल रहा है मशीन के सर। बिल्कुल दोस्तों, तो 16 ब्लेड जो है आपको मशीन के साथ फ्री मिल रहा है, इतने में तो आप कम से कम 3-4 साल तक आराम से कट कर ही लेंगे। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, तो बहुत सही बात बताई दीदी। आपके पास में जनरली जो फार्मर होते हैं या किसान होते हैं उनके पास में 10-15 पशु होते हैं, 10-15 पशु के लिए लगभग 5 साल के लिए दोनों ब्लेड आराम से प्रॉपर आप काम करेंगे यदि डेली आप 1.5 से 2 घंटे आप चलाएंगे तो। सर अभी थोड़ी देर पहले आप प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो एक बार फिर से हम उस पर आते हैं, जैसे आपने जो बताया तो जैसे हम बीच में फिर हमने सवाल आपसे किया कि जैसे हरा चारा अगर काटना हो या सूखा चारा काटना हो तो दोनों का क्या प्रोडक्शन होगा?
सर लगभग सूखा चारा जो कटाई होगा वो लगभग 600 से 700 केजी रहेगा एक घंटे का, और जो गीला रहेगा वो 900 से 1000 केजी के आसपास आपका प्रोडक्शन रहेगा। अब हमारे बगल में है तो ये काफी यूनिक है, अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें पल्वराइजर भी साथ में अटैच है और चाप कटर भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आशुतोष जी आप देख रहे होंगे कि मशीन बल्कि और काफी बड़ी है, उसका रीजन ये है कि चाप कटर तो पूरा सेम ये का यही मॉडल यहाँ पे हमने लगाया, इसके साथ में अटैच किया है आटा चक्की के लिए, क्योंकि सर पशुओं के साथ साथ में घर में भी अपन यूज में ले सकते हैं, दलिया बनाना होता है या आटा निकालना अपने को होता है या कोई मसाला अपने को पीसना होता है या गीला भी, इसमें आप ड्राई और वेट दोनों आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको चाप कटर तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम वही मॉडल जो है वो का वही है, इसमें आपका ये पार्ट एक अलग से लगाया गया है, इसमें आपको जिस तरीके से अपन जो अपना जनरली आपने आटा चक्की देखा होगा उसी प्रकार से इसमें ये एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपने कम ज्यादा करना है। ये इस तरफ आप देखेंगे आशुतोष जी, जी दलिया बनाना है तो इधर घुमाएंगे, मतलब थोड़ा सा लूज कर देंगे, आटा बनाना है थोड़ा इसको टाइट करेंगे और इसको वो कर देंगे तो बढ़िया तरीके से आपका ये काम करेगा सर। ये सर जो हॉपर है इसका लगभग कितने केजी का ये कैपेसिटी होगा? सर लगभग मतलब कैपेसिटी की बात ऐसा है सर, ये लगभग 4 मिनट के आसपास में 10 केजी निकालता है सर। अभी लाइव दिखाऊंगा सर आशुतोष जी, ये तो अभी हम लाइव देखने वाले हैं कि ये कितना निकालता है क्या निकालता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लाइव देखिएगा, वीडियो बिल्कुल लाइव रहेगा, कितना केजी रहेगा सब कुछ हम आपके सामने दिखाएंगे सर। तो दोस्तों जैसे हमारे किसान भाई जो पशु रखते हैं तो कई बार होता है कि पशुओं को दाना देना होता है, तो अब आपको पिसाई करने के लिए या उसके छटाई करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक चाफ कटर से ही मल्टीपल काम कर सकते हैं, आप इधर से चाफ कटर का काम कर सकते हैं यानी हरा चारा या सूखा चारा काट सकते हैं, और अगर आपको पशुओं को जो है जो डेयरी फार्मिंग करते हैं या जो गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन का काम करते हैं या पोल्ट्री का काम करते हैं तो पोल्ट्री में भी बहुत सारे जो देसी बर्ड्स होते हैं उसको आप हरा चारा देते हैं, तो उसको आप इधर से दाना भी दे सकते हैं और इधर से कट करके हरा चारा भी दे सकते हैं। अब सर जो लास्ट में है ये कौन सा मॉडल है इसके बारे में बताइए। आशुतोष जी बताना चाहूंगा कि ये भी सेम वही मॉडल है, इसमें हमने एडिशनल जैसे इसमें गियर दिया हुआ, इसमें गियर नहीं है बिल्कुल, इसमें होपर सिस्टम है, इसमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ रखेंगे उसमें रोलर सिस्टम है, उसमें भी ऑटोमेटिक कुट्टी पकड़ के बाहर खींचेगा, इसमें भी ये पकड़ के बाहर खींचेगा। प्लस आपको बताना चाहूंगा तीनों कुट्टी मशीन में आपको आशुतोष जी क्या चीज सेम दिख रही है, इसमें सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा हुआ है, आपने देखा होगा जनरली जो टोका मशीन और ड्रामना होता है हाथ चला जाता है, किसी की उंगलियां कटी हुई है, हम जनरली देखते हैं, मैंने भी सुना है बचपन में भी सुना है और अभी भी कई न्यूज और पेपर न्यूज़पेपर में हमको देखने को कई बार मिलता है, ना साड़ी का पल्लू ना कोई दुपट्टा, महिलाएं आराम से बड़ी सुरक्षा के साथ में कटाई कर सकती है। जनरली आशुतोष जी पुरुष आदमी तो बाहर का काम देखता है, भारतीय महिलाएं 80% काम खेती का और पशुपालन का भारतीय महिला ही देख रही है, हमने ये मशीन महिलाएं या घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनके हिसाब से पूरा डिजाइन किया हुआ है, जो सिर्फ स्विच ऑन करके कुट्टी देना है, काट के बाहर फेंक दे वापस स्विच बंद कर दो, उसमें कोई माथा पच्ची कोई कुछ इस प्रकार का नहीं है कि टेक्निकल की ये करना है वो करना है, कोई लोड वाला काम नहीं, पूरी सुरक्षा के साथ में हमने ये चीज काम किया हुआ है, काफी सुरक्षा का ख्याल भी जो है आरबीडी मशीन ने रखा है। अब सर ये जो वीडियो बन रहा है जयपुर के अंदर से यानी राजस्थान से बन रहा है, तो अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं बताना चाहूंगा जहाँ आशुतोष जी आज खड़े हैं या हम जहाँ पे हैं वो आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर अजमेर रोड अपोजिट हीरापुरा पावर हाउस A9 मंगल कुंज कॉलोनी में ये स्थित है, पीछे ही हमारा B9 मंगल कुंज को हमारा वेयर हाउस है और फैक्ट्री भी हमारी यहाँ पास में ही है, हम इन सब का काम करते हैं, हमारी ये कॉल सेंटर टीम है, या मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो किसान भाई जो नंबर हमने स्क्रीन पे दिए हुए हैं उन नंबर पे आप कॉल करेंगी, कॉल आपको जवाब देंगे, अलग अलग लोग टीम बटी हुई है, अकाउंट्स टीम अलग है, कॉल सेंटर टीम अलग है, किसानों को मशीनों की जानकारी लेना नहीं लेना बाद की बात है आशुतोष जी, लेकिन जानकारी लेना उनका फर्ज है, आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं, सर्विस टीम अलग है, जब मशीन पहुंच जाएगी मशीन को क्या क्या रख रखाव है हमारी अलग से एक सर्विस टीम है वो आपको पूरी जानकारी देगी, किस तरीके से रख रखाव करना है, किस तरीके से सावधानी बरतनी, वो सब चीज़ें हमारी इंजीनियर टीम आपको बताएगी। अब सर जो हमारे किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं तो किसान भाइयों का काफ़ी मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो कहने का मतलब कि जब वो मशीन परचेज करेंगे या चाफ कटर आपसे आपकी कंपनी से वो परचेज करेंगे तो वो इंश्योर होना चाहेंगे कि भाई मशीन ले रहे हैं तो इतने दिन तक मशीनों में कोई खराबी नहीं आने वाली यानी वारंटी वगैरह क्या होगी? आशुतोष जी वैसे जनरली यदि मेरी मशीन में कमियां होगी तो आदमी वारंटी कम देता है हमेशा, यदि मशीन की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी होगी तो वारंटी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा आशुतोष जी आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का चाहे 1 रुपये का पार्ट लो चाहे 2 लाख रुपये का पार्ट लो,
उसकी सभी की वारंटी 2 साल की रहती है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा मशीन का 2 साल का वारंटी रहेगा। जिसमें मशीन का वारंटी 2 साल का रहेगा, मोटर का इसमें गारंटी रहेगा आपका 2 साल का। बस पानी में, पानी से बचाव करके रखें उसका, क्योंकि पानी में तो आपको बोले इलेक्ट्रिसिटी पार्ट जलना ही जलना है, उसमें मैं क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मोटर को पानी से बचा के रखें, रिप्लेसमेंट 2 साल का इसका गारंटी रहेगा सुरोज जी आपका। अब सर इस वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो कहां कहां ये मशीनें डिलीवर करवा सकते हैं? आशुतोष जी बताना चाहूंगा, आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, खेत, गांव, तहसील, जिला, राज्य या देहात एरिया, जहां आप बोलोगे, जहां का एड्रेस देंगे वहां तक हम आपको पूरे ऑल इंडिया कहीं भेज सकते हैं। बिल्कुल, जहां का एड्रेस आप खेत में बोलेंगे हम खेत तक में डिलीवरी देंगे आपको। डिलीवरी चार्ज आशुतोष जी मैं बताना चाहूंगा फ्री रहेगा, 1 रुपया आपसे लिया नहीं जाएगा। डिलीवरी चार्ज आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से बिल्कुल आता फ्री रहेगा। सर आज जो भी कंपनी काम कर रही है अधिकतर चाइनीज मशीन के ऊपर काम कर रही है, कारण एक ये है कि सस्ती मशीन होती है, उसमें प्रॉफिट और मार्जिन लोग ज़्यादा ले लेते हैं। तो क्या आपकी भी मशीन चाइनीज है? आशुतोष जी मैं तो, मेरे मुंह से कहना गलत रहेगा, ये चीज़ अपन इसको लाइव ही टेस्ट कर लेते हैं कि चाइनीज है क्या है। मैं ये पुली है, इसको यदि कोई तोड़ देगा कोई भी, मैं आपसे भी ये बोल रहा हूँ कि आप भी तोड़ देंगे तो मशीन फ्री है। इसको जितना जोर लगा के आप दे सकते हैं ना, बिल्कुल मैं कहूंगा आशुतोष जी आप खुद ट्राई कीजिए इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो एक बार मैं दिखा, आप मशीन की गुणवत्ता को देख सकते हैं और बिल्कुल स्वदेशी निर्मित ये चाफ कटर है, आप सामने से देख के समझ गए होंगे और जब आप आएंगे तो खुद भी लोग टेस्ट करके देख सकते हैं ना सर। बिल्कुल देख सकते हैं सर, कोई दिक्कत, मशीन फ्री है, यदि गुणवत्ता में कोई भी कमी निकले मशीन बिल्कुल फ्री है सर। आशुतोष जी ये जो मशीन बना हुआ है ये टाटा के लोहे से बना हुआ है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, मैंने आपको प्रूफ करके भी अभी इसमें दिखाया है। प्लस यदि स्टिलर फार्मिंग की तरफ से कोई भी ऑर्डर आता है तो ये टी शर्ट कंपनी की, आरबीडी कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशीन की तरफ से फ्री दिया जाएगा। तो अगर कोई कमी आपको लगती है, अगर ऐसे कोई पार्ट अगर टूट जाता है आपके सामने से, तो मशीन आपको फ्री मिल जाएगी सर, ऐसा कह रहे हैं। अब सर एक चीज़ ये है कि जैसे जो किसान भाई होते हैं तो आज सरकार की तरफ से बहुत सारा अनुदान भी दिया जा रहा है, तो क्या इन मशीनों पर सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी? बहुत ही अच्छी आशुतोष जी आपने बात पूछी है, जो किसानों के लिए हित और फायदेमंद बात है। इन पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है, राजस्थान में जैसे 10,000 से 12,000 है, मध्य प्रदेश में जैसे 40 से 50%, हरियाणा में फिक्स 50% है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी एक स्कीम निकालती है, वो दोनों जॉइंट में निकालती है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, सभी राज्यों में सब्सिडी है सर इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हैं भूपेंद्र जी और सर की कंपनी है आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जयपुर के अंदर है, जयपुर अजमेर हाईवे जो है उस वहीं पे सर की कंपनी है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का कंपनी का नंबर दे दिया है, आप चाफ कटर या कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।